मंजिल कठिन कितनी भी हो, मन में जुनून उसे पाने का है, हार नहीं मानूंगा, मेरा लक्ष्य शिखर पर जाने का है। ये कहावत लागू होती है मऊ के अरविंद चौहान के ऊपर, जिन्होंने कड़ी मेहनत और मजबूत इरादों की बदौलत यूपीएससी की परीक्षा में 569वां रैंक लाकर जिले का नाम रोशन किया। इस सफलता का श्रेय अरविंद अपने माता पिता और भाई को देते हैं। उन्होंने युवाओं को सफलता का संदेश भी दिया, उनके मुताबिक ईमानदारी और मेहनत से किसी भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। बच्चों के लिए जो लोग पर्टिकुलरली तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या है कि सफलता का कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, और जो भी विद्यार्थी लगनशील है, कर्मठ है, अपने गोल को ध्यान में रखते हुए मेहनत करेगा तो उसे जरूर सफलता मिलेगी। अरविंद मऊ जिले में ज्योति स्वीट्स नाम की मिठाई की दुकान चलाने वाले बलिराम चौहान के बेटे हैं। अरविंद की सफलता से उनके घर में जश्न का माहौल है, हर तरफ बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। अरविंद चौहान मेरे भाई हैं, जिन्होंने आईएएस में इस बार आईएएस में सिलेक्शन हुआ है। उन्होंने फर्स्टली बीएचयूसी बीएससी किया, एंड सेकंड उन्होंने एमएससी जेएनयू किया, एंड थर्ड पीएचडी उन्होंने जेएनयू से अभी वो कर रहे हैं इस टाइम, एंड थर्ड टाइम उन्होंने क्वालिफाई किया आईएएस। एंड मैं बहुत 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 ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मेरे भाई आईएएस में क्वालिफाई किए। अरविंद के मुताबिक उनके पिता उनके आदर्श हैं और उनका लक्ष्य देश सेवा है। परिवार का सबसे बड़ा योगदान है, जैसे मेरे माताजी पिताजी और भैया ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि भाई तुम लोग भी आओ दुकान पे काम करो, चुपचाप अकेले करते थे। और ये केवल मुझे ही नहीं, मुझे मेरे छोटे भाई और जितनी बहने हैं सबको इन्होंने समर्थन दिया, सपोर्ट दिया कि भाई तुम लोग जाओ पढ़ाई करो। जिस स्कूल में अरविंद चौहान पढ़ चुके हैं उस स्कूल के बच्चों ने अरविंद चौहान को अपना आइडियल बना लिया है और अब वो भी अरविंद की तरह आईएएस बनना चाहते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे स्कूल के छात्र आईएएस बन गए और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी क्योंकि मैं भी उनकी तरह बनना चाहती हूँ। उनको देख के मुझे भी लग रहा है कि मैं भी उनकी तरह बनूँ क्योंकि मेरे अंदर भी वो जागरूकता आ रही है कि मैं भी उनकी तरह बनना चाहती हूँ। आइडियल बन चुके हो आपके? यस ऑफकोर्स। अरविंद ने कड़ी मेहनत और लगन से मऊ जिले का नाम रोशन कर दिया है। वो युवाओं को शॉर्टकट का रास्ता छोड़कर कड़ी मेहनत का संदेश दे रहे हैं। नागेंद्र कुमार, मऊ, जनमन टीवी।